वेलकम टू स्टडी न्यूज रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग देंगे एक रिएक्शन जो वीडियो है निमरा अहमद का, जिसका टाइटल है मुस्लिम्स हाईली रेस्पेक्टेड बाय मोदी, मोदी इनॉग्रेट्स हिस्ट्रीज लार्जेस्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूट। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में मोदी जी ने एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया है मुंबई में, तो उसी पर ये वीडियो बनाया गया है और पाकिस्तानियों की राय ली गई है। पाकिस्तानी आप जानते हैं प्रोपोगंडा करने में नंबर वन है, तो इसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा, तो उसी पर हम लोग करेंगे रिएक्शन। तो बुलाते हैं अपने सुपरस्टार किक बटोफ्स्की को। तो भाई लोग कैसे, सब फर्स्ट क्लास? चलो रिएक्शन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में एक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इनाकाद किया गया है, इनॉग्रेशन की गई है अल जमीयत सैफिया की, और इनॉग्रेशन की है पीएम मोदी ने। दाऊदी फैमिली जो कि इंडिया की बहुत बड़ी एक इस्लामिक जमात है, उनको पीएम मोदी ने ये कहा है कि आई एम नॉट योर प्राइम मिनिस्टर, आई एम योर फैमिली मेंबर। तो जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं पीएम मोदी, उस बारे में आज पाकिस्तानी आवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय कि अगर यहाँ पर ये कहा जाता है कि वहां पर माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, वहां ये मिसाल सामने आई है, क्या कहती है अब आवाम, जानते हैं लोगों से। मेरे साथ हैं तो एक ये एक जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो किसी रिपब्लिक का जो सरबरा है, इससे बेहतर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो है माइनॉरिटीज, स्पेशली जब मुसलमानों की बात होती है, तो हम कहते हैं कि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन अगर हम वहाँ की मुस्लिम जमातों की बात करें, बड़े बड़े मौलानाओं की बात करें, तो सर उनके ताल्लुकात मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं, इंडिया में रहना वो पसंद करती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से मे बी दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट, लेकिन अगर आप बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। क्यों कमेंट नहीं करूंगा कि अगर मेरे अपने मुल्क में अगर ये सारी माइनॉरिटीज, जैसे कि अगर मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियंस, हिंदूज और ये सब अगर मेरे मुल्क में वेल प्रोटेक्टेड हैं इनके राइट्स, तो मैं कमेंट कर सकता हूँ कि मोदी कश्मीर में क्या कर रहा है या वहां पे क्या कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं, मेरे ख्याल से ये कमेंट करना मेरे लिए नामुनासिब है, जब तक कि मेरा अपना हाउस इन ऑर्डर ना हो। कि आप कहना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज यहाँ पर भी कुछ उस तरीके से सही तरह ट्रीट नहीं की जा रही जो हम इंडिया की बात करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं की जा रही, वी आर ऑन द सेम पेज जब माइनॉरिटीज से ट्रीट करने का कोई ताल्लुक है। शर्म नहीं आती आप लोगों को ना? सेम पेज, वी आर ऑन सेम पेज, हम लोग कभी भी सेम पेज पे नहीं हो सकते। इंडिया में आजादी के बाद से मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ी है, आज हमारे देश में 35 करोड़ मुसलमान है, आपके देश से भी ज्यादा, और आपके देश में कितने हिंदू या माइनॉरिटी सिख कितने बचे हैं आपने नोटिस किया है? 1% से भी कम रह गए हैं। आप सेम पेज की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ मुस्लिम्स हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के एक खिलाड़ी जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, आपके यहाँ कभी भी कोई हिंदू क्रिकेट टीम में खेला, कभी कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बना? अरे बनने की बात छोड़िए, बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपके संविधान में ही नहीं लिखा है। आपके संविधान में लिखा हुआ है कि कभी कोई माइनॉरिटी बन ही नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ तक कि हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी मुस्लिम बन चुके हैं। आप सेम पेज की बात करेंगे? शर्म आती है आप लोगों को? माजी में आप बहुत सारे केसेस, अभी रिसेंटली केसेस जो आसिया के मामले में जो ब्लास्फेमी का केस था, वो हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह के सलमान तासीर के हवाले से ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलेंगे जो कि इस डोमेन में लाए करते हैं। सिंध वाली साइड पे भी सर, मतलब माइनॉरिटीज का हाल कुछ ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। सिंध में नहीं ठीक है, उसके बाद बलोचिस्तान में नहीं है, बलोचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स टीटीपी और इस तरीके के बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं जो कि नाराज पाकिस्तानी, जिन्हें आप कह सकते हैं, वो सब इस मामले में यही सब मुतालबा होंगे। सर यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हम 1947 की बात करें तो स्पेशली हिंदुओं की तादाद थी यहाँ पर, ठीक है, मगर लेकिन अगर अब का हम जायजा लें तो माइनॉरिटीज जो है वो तकरीबन 1% यहाँ पर रह गई है। इसकी आपको क्या वजूहत लगती है कि यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, रिसोर्सेज नहीं है, क्या वजह लगती है? और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्वल ट्रीट किया जाता है हर किसी को। देखिए, ये कहने की बात है एक बात, दूसरा ये है हमारे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंटरवूवन है। ये जो हमारी एक सिंपल नोशन है, हम सब बराबर हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं,
ये सारे स्लोगन्स एंड ऑप्टिक्स हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा जो 1947 की बात नहीं है, 1857 और उससे पहले सो कॉल्ड 800 ईयर्स का जो रूल है उसके बाद जिस तरीके से ऑल इंडिया और ये सब कुछ मामला गड़बड़ हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप इस पे कमेंट भी करेंगे तो इतना सिंपल कमेंट नहीं होगा कि मतलब बेसिकली वजह क्या है। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है क्यों माइनॉरिटीज कम होती जा रही है, मैं तो ये कहूंगा कि माइनॉरिटीज आप छोड़ें, पाकिस्तानी क्यों कम होते जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी तो निकल रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अब भाई से बात कर रहा हूँ, मेरे पास 35-40 लाख रुपए नहीं है, वरना मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, मैं कनाडा चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। सो ये मसले हैं, मेजोरिटी भी सेफ नहीं है, आप माइनॉरिटी पे बात कर रहे हैं, तो मतलब दिस साउंड्स रिडिकुलस बट दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। अच्छा, मेजोरिटी भी आपने बोला सेफ नहीं है, तो ये आप बात सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से कर रहे हैं या फिर फैसिलिटीज के हवाले से कर रहे हैं? फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात आ गई, बेसिक राइट्स जो आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम लिविंग इन कराची, तो मैं जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं नहीं कर सकते। अगर आप चले जाएं बलूचिस्तान में इस तरीके से, अभी आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं फोन रख के, नहीं आप खाना खा सकते, आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मैं जॉब पे हूँ, मेरी फैमिली घर पे है, तो उनको ये प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी के अलावा बहुत सारे दीगर इश्यूज हैं। तो सोसाइटी के माइंडसेट की बात करें आप यहाँ पे, सोसाइटी माइंडसेट, ब्यूरोक्रेसी, जो भी आप जिसे बोल सकते हैं, पूरा एक निजाम जो है वो सारे का सारा इसी तरीके से है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये चीज इंडिया में नहीं है? इंडिया में है, बट देर इज अ लिमिट एट एवरी एस्पेक्ट। अगर आप इंडियंस की बात करेंगे, वहां पे मसाइल हैं, लेकिन एक एज अ नेशन जब आप किसी चीज को, आपको थोड़ा सेंस होती है ना, जब आप बीमारी का एटलीस्ट आपको एहसास तो हो। हमारा मसला ये है, बीमारियों का एहसास नहीं है, उनको एटलीस्ट एहसास है। 90s के बाद वो काम कर रहे हैं, दे आर फ्लरिशिंग, हाउ टू ओवरकम, और वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हैं हम लोगों से। इन भाई साहब का उत्तर देते चलूं, बेसिक राइट्स की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पर तो जीना दूभर है माइनॉरिटी का। और माइनॉरिटी का क्यों भैया, ये सही कह रहे हैं, वहां मुसलमानों का भी जीना दूभर है। सुन्नी, अभी आपने देखा ना सिया मस्जिद पे अभी हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन किसी को कोई शर्म नहीं है, उनके हिसाब से ये सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है, क्योंकि वहां पे सुन्नी सिया पे हमला करते हैं। आप लोग तो अहमदिया को मुस्लिम भी नहीं मानते, उनके भी मस्जिद पे आप लोगों ने बम ब्लास्ट कर डाले। कोई भी आता है, बम ब्लास्ट होता है वहां पे, हमेशा कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है। आप हिंदुओं की क्या रक्षा करोगे, सिख की क्या रक्षा करोगे, आप क्या बात करते हो, आप क्या माइनॉरिटी, माइनॉरिटी तो दबे कुचले एकदम वो जिंदगी जी रहे जहालत भरी, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं दे सकते। शर्म करिए आप लोग। फैमिली मेंबर मुझे समझ नहीं आती, वो बंदा तो आरएसएस मेंटालिटी का, तो आरएसएस का तो मेन काम ही है कि मुसलमानों को मारो, जो उन्हें वो उधर ऑरेंज फ्लैग वाले कौन से थे, तो हिंदुत्व था जो शुरू किए हुए हैं, तो उसको तो वो खत्म करता नहीं, तो एकेडमी चलाने का फायदा कोई नहीं है। इन भाई साहब को बड़ा ज्ञान है, आरएसएस मेंटालिटी के लोग, ये लोगों का काम है मुसलमानों को मारना। आज तक मुझे, इन भाई साहब को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आज तक कभी भी किसी आरएसएस के बंदे ने या आरएसएस के कार्यकर्ता ने कभी भी एक मुसलमान को मारा हो, कहीं पे भी कोई फाइल हुई हो केस, मुझे बता दे। ये सारे जो प्रोपोगंडा आप लोग करते हैं ना, ये सब खुल चुके हैं, ये सब पोल खुल चुकी है, ये सब बकवास ना आप अपने जेब में रखिए। आतंकवादी गतिविधि करो आप, हर जगह बम ब्लास्ट करो आप, और आरएसएस का नाम लगाते हो। आरएसएस की कोई भी एक भी आतंकवादी संगठन का नाम सुना है कभी भी? आरएसएस का कभी भी सुना है किसी आरएसएस के बंदे ने जाके ह्यूमन बम बन के किसी मस्जिद को उड़ाया हो? आप लोग तो अपनी ही मस्जिद को उड़ा रहे हो। पेशावर का हमला, एमडीओ के ऊपर हमला, शर्म नहीं आती है आरएसएस के बारे में बात करते हुए? मोदी आरएसएस का मेंटेलिटी का है, वो उसका कार्यकर्ता रहा है, हिंदू उसका धर्म है। तुम लोग अपने मुसलमान धर्म को मानने के चक्कर में एक इस्लामिक राष्ट्र बना लेते हो पाकिस्तान नाम का, तब दिक्कत नहीं है, तब तो वो इनका काम है। हमारा देश सेकुलर है, और हमें ना आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आप हमें सिखाओगे सेकुलर होना, जो जिंदगी में सेकुलर नहीं हो सकते, इस्लामिक स्टेट लेके बैठे हो और उसमें भी मुसलमान मुसलमान के गले काट रहा है, ज्ञान बांट रहे हैं। सर मैं एक बात बताती हूँ आपको, हर बंदे का रिलीजन जो है वो उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है? वो हिंदू है, वो सिख है, वो जो भी है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है? अब वो जो जिस रिलीजन में है उस रिलीजन को ही वो मानेंगे ना, उस रिलीजन को ही वो प्रमोट करेंगे ना, बट वहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनको अगर फैसिलिटीज दी जा रही है, ये दिखावा है क्योंकि इंडिया एज अ स्टेट सेक्युलर है, लेकिन मोदी इज फार फ्रॉम सेक्युलर। जिंदगी में कभी भी भारत आया है, कभी देखा है, कभी किसी मुस्लिम से मिला है? मोदी इज फार फ्रॉम सेकुलर। ज्ञान तो भैया ऐसे बांट देंगे जैसे सारी जानकारी विश्व की इन्हीं के पास है, और खुद से पूछ लो, अभी जिहाद की बात करना शुरू कर देगा। मैं तेरे को दिखाता हूँ, तू वीडियो देख, वहाँ पे जितने भी हैं बोरा के और जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट खुला है वहाँ के लोग कैसे मोदी का साथ दे रहे हैं, उससे तेरे को लगता है कि वहाँ पे लोग जो नाराज हैं? आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, न मैं यहाँ प्रधानमंत्री हूँ न मुख्यमंत्री हूँ,
और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं चार पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, चार पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई हैं। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। जो मेरा पॉइंट व्यू है, कैसे सिख के तांगे मुसलमान तांगे सेक्युलर स्टेट में होता है ऐसा? सर यहाँ पर भी फिर इस तरह की तहरीके है ना, यहाँ पर भी आजाद कश्मीर हमसे अलग होना चाह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान अलग होना चाह रहा है, बलूचिस्तान अलग होना चाह रहा है। तहरीके हैं लेकिन वाजिया कत्ल नहीं है जो वहाँ पे हो रहे हैं। मतलब एवरीडे सोशल मीडिया पर आप देखते हो कि आज कोई लड़की मारी गई, कोई लड़का मारा गया, मुसलमान था क्लास से निकाल दिया गया, यहाँ ऐसी हरकतें तो नहीं होती ना। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये सब होता है। आज मैं तेरे को ना सारी चीजें दिखाऊंगा, तो खुश हो जाएगा। पहले तो तू ये वीडियो देख, पाकिस्तान के संसद में माइनॉरिटी को लेकर एक नेता कितना रो रहा है। तेरे यहाँ नहीं होता, तेरे यहाँ कितना क्या क्या होता है। तू देख, हिंदुओं को मारा जा रहा है, अरे कोख में बच्ची को मार दिया वहाँ के मुसलमानों ने, हिंदू की बच्ची को। तू बात कर रहा है, आए दिन कत्लेआम होते हैं, धर्म परिवर्तन होते हैं, जबरन रेप होता है, मर्डर होता है। तू वीडियो देख, और तू हमारे यहाँ के मुसलमानों और सिखों और हिंदुओं और किसी की बात करना छोड़ दे, ये तेरा प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ के मुसलमान ना बहुत उच्च कोटि के हैं, तुम लोगों को तो पूछते भी नहीं है, तुम लोग तुच्छ प्राणी, तुम लोग मुस्लिम थोड़ी ना हो, तुम लोग तो नाटक एक नकाब पहन के घूम रहे हो मुसलमानों का। असली मुसलमान भारत में रहते हैं, और भारतीय मुसलमान ना उनसे अपनी जोड़ीदारी मत किया करो यार, उनको शर्म आती है तुमसे जोड़ीदारी करके। उनको लगता है कि कौन तुच्छ प्राणी हमारी जोड़ीदारी कर रहा है और हमारी बातें कर रहा है फालतू में। उनको शर्म आने लगती है कि क्या बात कर रहा है यार ये आदमी। इसलिए ना तुम लोग अपनी बात करो, यू कांट नेवर बी एन इंडियन मुस्लिम, समझे? कभी भी भारतीय मुसलमान तो बन ही नहीं सकते तुम। भारतीय मुसलमानों में बहुत जज्बा है और वो भारत के लिए काम करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है, और तुम्हारी जैसी ओछी सोच नहीं है उनकी। इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है, बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को महम को पिछले हफ्ते धंधे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे DSP साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर विनत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख माँ का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है, जनाब स्पीकर वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिफारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती, जनाब स्पीकर वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने DSP से कहा, इससे कहे कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुना दी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है, ठीक है। वो अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र ना करें। से बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें तो हिंदुस्तान में आके बस जाएं। हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। ये उन लोगों से ले पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं? लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
देखिए ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी देश से जलते भी हैं ना, इस देश की तरक्की से वो कभी खुश थे ना हैं, तो इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं, उससे सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। देखिए पहली बात तो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है, और जहाँ तक कि दूसरों की चिंता करना वो छोड़ दें, अपने घर की चिंता करें तो वही ठीक है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में एक चमन है, एक फूल है, और यहाँ पर हम लोग सुरक्षित ही नहीं बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, और सुरक्षा के बारे में सोचना भी नहीं हम लोग को पड़ता। भारत हमारा देश है, हम वहाँ के नागरिक हैं, और अगर जुल्म की बात हो रही है तो जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में सिखों के ऊपर हो रहा है। भारत में सिख सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, और यहाँ की जो सरकार है पूर्णतः हम लोग का सहयोग करती है। खालिस्तानियों की बात की जाती है कि खालिस्तानी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एक जो भी सिख है, जो भी सरदार है, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। इतना ही ज़्यादा अगर हमसे लगाव है तो पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे सिखों और हिंदुओं को बचाएं। सुन लिया आपने, यहाँ के मुसलमानों का भी और यहाँ के रहने वाले हमारे भाई सिखों का भी। जाओ तुम लोग अपने देश के लोगों को संभालो, हमारे देश का छोड़ो। हम जब भी आप किसी के नाम लेते हो ना हमारे देश के मुसलमान भाई बहनों या सिखों से, तो उन लोगों को शर्म आती है, जानते हो, कि ये तुच्छ प्राणी हमें अपने आप से जोड़कर देख रहा है। सच्चाई में असली मुसलमान सिर्फ भारत में रहते हैं, ये तुम्हें पता है? तुम लोग तो मुखौटा ओढ़कर रह रहे हो मुसलमान का, लबादा ओढ़कर। मुसलमान ऐसा होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोपोगंडा आता है, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, बस बोलना है बोल दिए, कहीं भी कुछ भी बोल दिए। अपने यहाँ के माइनॉरिटी की कभी हालत देखी है? इन लोगों की बात अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, रिएक्शन यहीं तक। कोई जमा बात यह है कि इन लोगों को प्रोपोगंडा के अलावा कुछ सोचता नहीं है, इन लोगों ने तालीम भी यही ले रखी है, तो ये लोग बातें भी कुछ इसी प्रकार की करेंगे। इनके देश में क्या हालत है इनका इनसे दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये लोग आपस में कट कर मर रहे हैं, अहमदिया को सुन्नी, सुन्नी सिया आपस में लड़ रहे हैं, और ये बात करेंगे हिंदुस्तान की। खुद इस्लामिक स्टेट है और सेकुलर कंट्री के बारे में ये बात करेंगे, शर्म भी नहीं आती है। तो यहीं तक था ये रिएक्शन वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट।